जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, माता जी के नवरात्र चल रहे हैं और जो भी भक्तजन ये चाहते हैं कि उनकी कष्ट, उनकी पीड़ा माता जी हर लें, जल्दी दूर कर दें, तो उनको मेरे द्वारा बताए गए ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, इस दीपक को जलाता है, ये दीपक उस व्यक्ति की सारी परेशानी, सारे कष्टों को हर लेता है और उसके जीवन को खुशियों से भर देता है। तो यदि आपके जीवन में भी कष्ट हैं, यदि आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो ये जो माता जी के नवरात्र चल रहे हैं, ये आपके लिए आशीर्वाद समान हैं। इन दिनों में यदि सिर्फ माता जी को प्रसन्न करने हेतु आप जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा दीपक जलाते हैं, तो ऐसा दीपक आपकी सारे परेशानियों का अंत करता है और आपके घर में खुशियों की रोशनी फैला देगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ उस दीपक के बारे में कि जो दीपक आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देगा, हर देगा और आपके जीवन में खुशियों को भर देगा। ये उपाय 5 दिनों तक आपको लगातार करना है। 5 दिन का ये उपाय है। यदि आप ज़्यादा कष्ट में हैं तो 5 दिन का समय निकाल लें और इस दीपक को जला दें। 5 दिनों के अंदर अंदर आपकी जितनी भी कष्ट होंगे, परेशानियां होंगी, माता जी उन सारे कष्टों और परेशानियों को ख़त्म करके आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि मिट्टी का एक दीपक आपको लेना है और माता जी की तस्वीर के सामने आपको इस दीपक को जलाना है। शुद्ध घी का आपको एक दीपक जलाना है, जिसमें पहले दिन आप जो दीपक जलाएंगे उसमें आपको एक बाते का यानी एक मुख का दीपक जलाना है और माता जी से आपके जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, उसको हरने के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरे दिन उसी दीपक को में दीपक आपको चेंज नहीं करना है, दिया आपको वही रखना है, उसमें 2 मुख यानी 2 बाते का आपको दिया जलाना है जो आमने और सामने होनी चाहिए। पहले दिन जैसे आपने आगे की तरफ रखा तो दूसरे दिन पीछे की तरफ। तीसरे दिन जो आप बाती रखेंगे उसी दिए में आपको रखनी है और उसकी लो आपके सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए। आपका जो सीधा हाथ है उस तरफ उसकी लो होनी चाहिए। चौथे दिन आपको जो दिया जलाना है वो उसी दीपक में जलाना है और लेकिन उसकी जो चौथी बात है वो इस तरफ होनी चाहिए, आपके उल्टे हाथ की तरफ। यानी कि एक दीपक जो आपने पहले जो बात ही जलाई थी वो आगे की तरफ थी, माता जी की तरफ। दूसरे दिन जो जलाई वो आपकी तरफ थी, 2 बाती 2 मुखा दीपक था। तीसरे दिन 3 मुखा जो दिया जला उसमें जो तीसरी लो थी, जो ज्योत थी, वो आपके सीधे हाथ की तरफ थी। और चौथे दिन जो चौथी लो है, चौथी ज्योत है, वो आपके उल्टे हाथ की तरफ। 4 तरफ का ये जलेगा चौथे दिन। 5वें दिन आपको क्या करना है कि इसी में एक खड़े बात का दिया भी आपको जलाना है। तो 5 मुखी दीपक हो जाएगा। पहले दिन 1 मुखी दीपक, दूसरे दिन 2 मुखा, तीसरे दिन 3 मुखा, चौथे दिन 4 मुखा और 5वें दिन आपको 5 मुखा। ऐसे आपको इसका दीपक जलाना है। जैसे जैसे इसकी बाती बढ़ती जाती है, आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाती हैं, उजेला होता जाता है और आपके जीवन से अंधेरा यानी जो कष्ट है, पीड़ा है, वो ख़त्म होती जाती है। और इस दीपक को आपको कैसे जलाना है? सूर्योदय से पहले ये दीपक आपको जला देना है और सूर्यास्त के बाद तक ये दीपक जलता रहे, इसका आपको खास सविशेष ध्यान रखना है। इसमें दूसरी कोई पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं है, कोई तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जब आप ये दीपक जलाने के लिए पहले दिन जाते हैं तो आपको माता जी के सामने बैठ करके संकल्प लेना है कि आप 5 दिन का इस तरह से दीपक जलाने वाले हैं, आपके जीवन में ये कष्ट हैं और आप माता जी से प्रार्थना करें कि माँ, इन कष्टों को आप मेरे जीवन से हर लें, दूर कर दें। ये प्रार्थना करनी है पहले दिन जब आप ये दिया जलाते हैं। इसके बाद लगातार जिस समय आपने ये दीपक जलाया था, एवरी डे उसी समय पे आपको ये दीपक जलाना है। दीपक सूर्योदय के पहले जला देना है और सूर्योदय के बाद तक ये दिया जो है वो आपका जलते रहना चाहिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।